नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जियो बीपी कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए, आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ से आपको NOC लेनी पड़ेगी, या फिर इसके अंदर कंपनी द्वारा कितने परसेंट तक प्रॉफिट मार्जिन दिया जाएगा, या फिर कंपनी द्वारा इसके अंदर आपको कितना सपोर्ट किया जाएगा, ये सब जानकारी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेंगे जियो बीपी कंपनी के बारे में। तो दोस्तों जी जियो बीपी कंपनी की बात करें तो आज ये कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि दोस्तों जियो के बारे में तो सभी जानते हैं। ये इंडिया की आज सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करती है। लेकिन दोस्तों ये रिलायंस ग्रुप का पार्ट है और रिलायंस ग्रुप पेट्रोलियम के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करती है। आज इंडिया के अंदर बहुत सारे आउटलेट्स हैं रिलायंस कंपनी के। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी जियो और बीपी यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ मिलकर एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत कंपनी इंडिया के अंदर अपने अलग अलग आउटलेट ओपन करेगी, जिसके अंदर दोस्तों कंपनी CNG पंप, LPG, पेट्रोलियम, EV चार्जिंग स्टेशन, ऐसे बहुत सारे कंबाइन स्टेशन कंपनी द्वारा एस्टेब्लिश किए जाएंगे और इंडिया के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा। तो दोस्तों कोई भी पर्सन जो अपना एक पेट्रोल पंप ओपन करना चाहता है, या फिर EV चार्जिंग स्टेशन ओपन करना चाहता है, या फिर CNG पंप एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो कंपनी की डीलरशिप ले सकता है और एक सभी चीज़ों का कंबाइंड सेटअप लगा सकता है, जिसके अंदर LPG, CNG, पेट्रोलियम और EV चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किए जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जियो बीपी कंपनी कौन कौन सी सर्विस या फिर प्रोडक्ट आज अवेलेबल करा रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, जियो बीपी कंपनी बहुत सारी प्रकार की प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल कराई है। जैसे आप इनके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर है तो यहाँ से दोस्तों आप पहले तो यहाँ से इनकी जानकारी ले सकते हैं, कंपनी का क्या मिशन है, कौन कौन सी सर्विस कंपनी दे रही है। यहाँ पे आपको फुटेज भी मिल जाएगी और अलग अलग प्रोडक्ट भी मिले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और आप जैसे ही प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंपनी की जितनी भी अलग अलग सर्विस है, जैसे फ्यूल की है, फ्यूल के अंदर LPG, CNG, लुब्रिकेंट और पेट्रोलियम डीजल, सभी प्रकार के जितने भी फ्यूल है वो कलेक्ट कंपनी द्वारा किए जाते हैं और सभी के स्टेशन आज अवेलेबल कराए रही कंपनी। इसके साथ दोस्तों कंपनी ट्रांसकनेक्ट और नाइट्रोफिल का मतलब दोस्तों कंपनी अलग से अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी अवेलेबल करा रही है, जिससे कोई भी कस्टमर अपने व्हीकल के टायरों के अंदर नाइट्रोफिल करवा सकता है, वो भी कंपनी की तरफ से, ठीक है दोस्तों। ये कंपनी द्वारा पेड भी है और फ्री भी सर्विस कंपनी द्वारा दी जा रही है। इसके साथ दोस्तों कंपनी वाइल्ड बीन कैफे यानी पेट्रोल पंप के ऊपर ही कंपनी वाइल्ड बीन कैफे एस्टैब्लिश करेंगी, जिसके अंदर कस्टमर अपना कोई भी चाय पानी, समोसा, उपमा, पनीर टिक्का, कोई भी खाना पीना है, नाश्ता करना है, वो आराम से कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ कंपनी कन्वेंस स्टोर ओपन करवा रही है। कन्वेंस स्टोर के अंदर दोस्तों कंपनी 24 घंटे कन्फेंसरी स्नैक्स जैसे प्रोडक्ट अपने कस्टमर को अवेलेबल कराएगी, वो भी पेट्रोल पंप के ऊपर ही ओपन किया जाएगा। इसके साथ दोस्तों कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर EV चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल कराएगी। कंपनी द्वारा आज ये सेटअप लगाया जा रहा है, जिसके अंदर पेट्रोल पंप के ऊपर ही EV चार्जिंग स्टेशन भी एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी पर्सन जो पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करना चाहता है वो EV चार्जिंग स्टेशन भी वही एस्टैब्लिश करेगा। इसके साथ दोस्तों कंपनी AirBP जियो जैसी सर्विस भी आज अवेलेबल करा रही है। तो दोस्तों कंपनी EV चार्जिंग स्टेशन, नाइट्रोफिल, कन्वेंस स्टोर, वाइल्ड बीन कैफे और फ्यूल के अंदर दोस्तों पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG और लुब्रिकेंट के सभी प्रोडक्ट, ये सभी चीज़ों का एक कंबाइंड सेटअप कंपनी द्वारा लगाया जा रहा है, जिसके लिए कंपनी डीलरशिप दे रही है। और दोस्तों इसके लिए कंपनी द्वारा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया है, कुछ डॉक्यूमेंट भी बताए गए, वो हम धीरे धीरे आगे आपको वीडियो के अंदर बताते रहेंगे। तो दोस्तों ये सभी सर्विस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता करना है कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से डॉक्यूमेंट है, या फिर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको इसके अंदर पार्टनर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप पार्टनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होंगे, एक तो दोस्तों फॉर मोबिलिटी स्टेशन का और एक फॉर मोबिलिटी डिस्पेंसर यूनिट का। दोस्तों आपको बता दें मोबिलिटी स्टेशन के बारे में तो पहले बताया, इसके ऊपर पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, लुब्रिकेंट प्रोडक्ट और कन्वेंस स्टोर और वाइल्ड बीन कैफे और EV चार्जिंग स्टेशन जैसी सर्विस अवेलेबल कराई जाएगी एक स्टेशन के ऊपर, ठीक है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों फॉर मोबाइल डिस्पेंसर यूनिट, ये एक ऐसी यूनिट है दोस्तों जिसके अंदर कंपनी डोर टू डोर फ्यूल अवेलेबल कराएगी, यानी कंपनी द्वारा ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है जिससे कस्टमर कहीं भी चाहे वहीं भी कंपनी अपनी गाड़ी से फ्यूल प्रोवाइड करवा देगी। जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं दोस्तों एक बार आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे
और अप्लाई के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कंपनी द्वारा 25 से 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है, जिसके अंदर कंपनी गाड़ी देखती है और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए भी रखा गया है, और यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, फर्स्ट नेम सेकंड नेम डालकर ये फॉर्म पूरा फिल करना है आपको, पूरा फॉर्म फिल करके आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 25 लाख रुपए करनी पड़ेगी, इसके बिना आप ये डीलरशिप नहीं ले सकते। ठीक दोस्तों, इसके अंदर आप कंपनी आपको फ्यूल प्रोवाइड करेगी और आप वो फ्यूल कस्टमर को जहाँ भी चाहे कस्टमर डोर टू डोर अवेलेबल कराएंगे, उसके ऊपर कंपनी द्वारा अलग से आपको प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल कराया जाएगा। दोस्तों यदि आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है और एक आपके पास गाड़ी है आईसर कंपनी या किसी दूसरी कंपनी जो कंपनी अवेलेबल करवाना चाहती है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो कंपनी की आप ये डीलरशिप ले सकते हैं और छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के साथ बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको स्टेशन एस्टैब्लिश करना है तो दोस्तों आपको जो फॉर मोबिलिटी स्टेशन है इसके ऊपर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरे पोर्टल के ऊपर ये रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, आप धीरे धीरे ये पोर्टल ओपन होगा, थोड़ा सा बड़ा पोर्टल है तो थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है। ठीक है, इसके ऊपर आपको पूरी डिटेल मिलेगी, कंपनी कितनी इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती है, कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट करती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे कंपनी रिक्वायर करेगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लेट्स कनेक्ट का कुछ लोगो दिखाई देगा, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो कंपनी के बारे में धीरे धीरे डिटेल आपको मिल जाएगी। टू पावरफुल एनर्जी कंपनी है ये, एक बीपी और एक रिलायंस या जियो। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो धीरे धीरे पूरी पूरी डिटेल आ जाएगी कि कंपनी के 388 मिलियन सब्सक्राइबर्स है फाइनेंशियल ईयर 2020 तक। ठीक है दोस्तों, नीचे 640 मिलियन फुटबॉल्स एट स्टोर जितने भी है इंडिया के अंदर, जितने भी बाहर भी कंपनी की स्टोर है, और धीरे धीरे कंपनी की पूरी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। और नीचे नीचे दोस्तों कंपनी 100 साल एक्सपीरियंस के साथ है, 21 से ज़्यादा कंट्री के अंदर बिजनेस कर रही है, 8 मिलियन से अधिक कस्टमर है और 18,700 से अधिक फ्यूल स्टेशन है कंपनी की आज। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो कैस्ट्रोल कंपनी के साथ भी ये काम कर रही है, क्योंकि दोस्तों लुब्रिकेंट प्रोडक्ट जितने भी है कैस्ट्रोल कंपनी के ही ये सेल कर रही है। और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो धीरे धीरे पूरी डिटेल और भी आ जाएगी, कितने रिटेल आउटलेट्स है, कितनी मशीन है, और थोड़ा स्क्रॉल और करेंगे तो धीरे धीरे और भी डिटेल आ जाएगी। सबसे लास्ट में अर्बन एरिया के अंदर लैंड रिक्वायरमेंट बताई गई है 1500 स्क्वायर मीटर, और हाईवेज के ऊपर कंपनी द्वारा 3000 स्क्वायर मीटर जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है, और एंटिसिपेटेड इन्वेस्टमेंट है 3 करोड़ प्लस। आपको बता दें दोस्तों 3 करोड़ प्लस के अंदर कंपनी क्या क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी, यानी किस किस चीज़ की आपको डीलरशिप देगी। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने जो एक 3D नक्शा सा दिया गया है, इसके अंदर देखिए दोस्तों एक फ्यूल स्टेशन है, साइड में जो कॉन्वेंस स्टोर है या फिर कैफे वो है, और यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पे कंपनी आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करवाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही कंपनी ने एक अलग से CNG और LPG पंप भी एस्टैब्लिश करके दिया है, और जो आपको बड़ा दिख रहा है वो है फ्यूल स्टेशन। ऐसी दोस्तों सभी सर्विस एक जगह कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाएगी हाईवे के ऊपर, और अच्छी लोकेशन के ऊपर कंपनी आपको स्टेशन के लिए डीलरशिप देगी। तो दोस्तों 3 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी आपको एक अच्छा पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, फ्यूल स्टेशन, CNG पंप और कॉन्वेंस स्टोर और कैफे, यानी वाइल्ड बी कैफे, यानी जिसके अंदर जितने भी कस्टमर हैं वो नाश्ता पानी करेंगे, ये सभी सर्विस कंपनी आपको एक फ्यूल स्टेशन के ऊपर प्रोवाइड करेगी, और कंपनी आपसे 3 करोड़ प्लस की इन्वेस्टमेंट करवाएगी। दोस्तों आप एक या दो पार्टनर मिलकर ये डीलरशिप ले सकते हैं और अच्छे लेवल पर बीपी जियो कंपनी या फिर जियो बीपी कंपनी के साथ बिजनेस अपना एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब बात आएगी दोस्तों यदि आप कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे या फिर आप अप्लाई इसके लिए कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ेगी। दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने ID प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपके पास अपना बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, इनकम की डिटेल होनी चाहिए, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी 10th या प्लस 2 एजुकेशन मांगती है। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपनी ईमेल ID, फोटोग्राफ्स और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों यदि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट विद टाइटल और एड्रेस के साथ होने चाहिए। यदि आप जमीन लीज पर ले रहे हैं तो आपके पास उस जमीन के लीज एग्रीमेंट और NOC होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों यदि आप जमीन खरीद रहे हैं तो आपके पास उस जमीन के सेल डेट भी होने चाहिए, और यदि आपकी ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और तभी आप उसके ऊपर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर पाएंगे। और बात दोस्तों यदि NOC करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट से आपको NOC लेनी पड़ेगी। दोस्तों हम आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर बताएंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से आपको NOC लेनी पड़ेगी, और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप विजिट करके सभी डिपार्टमेंट के NOC ले सकते हैं।
सभी डिपार्टमेंट की एनओसी के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट की एनओसी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों यदि आपको नॉर्मली बता दें तो आपको विस्फोट विभाग से एनओसी लेनी पड़ती है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है, पुलिस डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है, वन विभाग से एनओसी लेनी पड़ती है, हाईवे के डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है, और आपको पास जो भी सिटी है उसके अलग से डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, और आपको बहुत सारे ऐसे एनिमल डिपार्टमेंट से वो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। दोस्तों आप वेबसाइट को विजिट करेंगे वहाँ पे डायरेक्ट आपको सभी जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको उन एनओसी के लिए अप्लाई करना है और कैसे वे एनओसी आपको मिलेगी, सभी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात आएगी इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करना है तो दोस्तों पार्टनर इन प्रोग्रेस का जो आपके सामने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एक फॉर्म है, ठीक है दोस्तों, जो आपके सामने दिखाया गया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसके अंदर पूरी डिटेल आपको भरनी है, फर्स्ट नेम से लेकर कैप्चा तक। ठीक है दोस्तों, आप देख लें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट सिटी और पर्पस ऑफ लोकेशन एड्रेस, जहाँ भी आप पर्पस ऑफ लोकेशन जहाँ भी आप ओपन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है, करंट आपका बिजनेस क्या है वो सिलेक्ट करना है, और लास्ट टर्न ओवर कितना था आपके बिजनेस का, और प्लॉट लेंथ कितनी है, प्लॉट विड्थ कितनी है, मीटर कितना एरिया में आपका प्लॉट है वो डालना है आपको, फिर लैटिट्यूड डालना है और फिर लॉन्गटिट्यूड डालना है। ठीक है दोस्तों, फिर कैप्चा डालना है और फिर फॉर्म को रजिस्टर कर देना है। जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल कंपनी के पास चली जाएगी। फिर दोस्तों कंपनी को आपकी लोकेशन सही लगी और ड्रॉ के अंदर आपका नाम निकल गया तो कंपनी आपको डीलरशिप दे देगी और आप आराम से कंपनी का पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सीएनजी पंप, एलपीजी पंप और दूसरे स्टोर आराम से ओपन कर सकते हैं और उनकी डीलरशिप आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि आपकी लोकेशन सही नहीं लगी कंपनी को और पहले से कंपनी का वहाँ पेट्रोल पंप है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए दोस्तों आप एक ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर कंपनी का पेट्रोल पंप नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप अप्लाई कर पाएंगे जियो बीपी कंपनी के पेट्रोल पंप के लिए और इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, सभी एनओसी होने चाहिए, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आएगी दोस्तों यदि आप रिलायंस जियो बीपी का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए इसके अंदर कंपनी द्वारा कितने परसेंट तक आपको प्रॉफिट मार्जिन पेट्रोल और डीजल के ऊपर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें पहले दोस्तों अलग अलग पेट्रोल और डीजल के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी द्वारा दिया जाता है, जैसे 2 रुपये से 2.5 रुपये या फिर 1 रुपये 80 पैसे से 2 रुपये 40 पैसे, अलग अलग पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर आपको अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन दोस्तों अब रूल थोड़े चेंज हुए हैं कंपनी के भी, क्योंकि दोस्तों दो कंपनी पार्टनरशिप के अंदर आई है तो थोड़े से रूल कंपनी ने चेंज की है, तो आपको एक बार कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। वहीं से दोस्तों आपको इसके बारे में पूरी डिटेल मिलेगी कि कितने परसेंट तक कंपनी आपको डीजल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करेगी, कितने परसेंट तक आपको पेट्रोल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करेगी, या फिर कितने परसेंट तक आपको सीएनजी पंप एलपीजी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी द्वारा कितने परसेंट तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आप एग्जाम्पल के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि आपको इस बिजनेस के अंदर पर मंथ के हिसाब से कितनी कमाई हो सकती है या फिर कितने रुपए आप कमा सकते हैं, तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ से दोस्तों आपको इसके बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी एग्जांपल के थ्रू, अनुमान के हिसाब से आपको कितने परसेंट तक कितना खर्चा किस चीज़ के ऊपर करना पड़ेगा, कितनी कमाई हो सकती है, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप रिलायंस जियो बीपी कंपनी का पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेकर अपना एक अच्छा सा पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सीएनजी पंप, एलपीजी पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित स्कीम से संबंधित या फिर फ्रेंचाइजी से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।